नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस जुड़ा हमारा स्पेशल शो, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आप अपने तमाम क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की हुई है, करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं, सभी तरह के सवाल आपके शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। yomani@nwt.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही हमारे जो फेसबुक ट्विटर है वहाँ पर सीएनबीसी आवाज़ के हैंडल पर जाएंगे तो ये शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #askawazyomani लिखकर। बात करते हैं अब क्वेरीज की, और हमारे साथ आज हैं कंप्लीट सर्किल कैपिटल के पार्टनर वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले बात कर लेते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो है म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ डायरेक्ट और रेगुलर। आमतौर पे एक ऐसा टॉपिक है और जिसको लेकर कंफ्यूजन भी काफ़ी रहता है इन्वेस्टर्स के मन में कि एग्जैक्टली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो बताइए विकास जी, क्या होते हैं ये दोनों ऑप्शंस डायरेक्ट और रेगुलर, और दोनों में ही क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं? धन्यवाद दीपाली जी। सो एक सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये जैसे किसी व्यक्ति को कोई घर खरीदना है तो वो किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास जाएगा और बोलेगा मुझे ऑप्शन दिखाइए, बट उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो खुद से भी अपना घर खुद से ढूंढ लिए डायरेक्टली। बस कुछ इसी तरीके से एक सुविधा सेबी ने 2013 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस की, जिसमें निवेशकों को ये सुविधा थी कि वो या तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक या किसी इंटरमीडियरी के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदे, या वो खुद से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनके पास डायरेक्टली जाके उनसे जो स्कीम्स हैं वो सब्सक्राइब करें। इसी को ही डायरेक्ट और रेगुलर बोलते हैं। डायरेक्ट यानी कि अगर एक निवेशक किसी भी एएमसी के पास डायरेक्टली जाए और उनकी वेबसाइट या किसी भी तरीके से वो डायरेक्टली एक स्कीम बाय कर ले उनकी, और वो उनका डायरेक्ट ऑप्शन हो गया। और यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाता है या बैंक के थ्रू जाता है तो वो रेगुलर स्कीम हो गई। इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ही हो गया कि जो डायरेक्टली बाय कर रहा है बीच में, या जिसको हम बिचौलिया बोलते हैं, अगर वो कोई नहीं है तो थोड़ा सा उसकी कॉस्ट या एक्सपेंस कम होती है, उसके अलावा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, फायदे और नुकसान हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी बताइए फिर, डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड दोनों ही ऑप्शन में। जी, जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट में आपकी कॉस्ट बचती है डेफिनेटली, बिकॉज जब म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें एक एक्सपेंस रेशियो बोली जाती है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट फी होती है, मार्केटिंग एक्सपेंस होता है या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, प्लस डिस्ट्रीब्यूटर की फी होती है जो पे करते हैं वो लोग। तो म्यूचुअल फंड अगर डिस्ट्रीब्यूटर को फी नहीं पे कर रहा और कोई डायरेक्टली उनसे सब्सक्राइब कर रहा है तो वो छोटा कॉम्पोनेंट होता है फी का, वो बचता है। यही एक डायरेक्ट में फायदा है। नुकसान ये हो सकता है बिकॉज आपके पास हैसल बहुत हो जाएगी, बिकॉज आपको मल्टीपल फंड हाउसेज के साथ में डील करना है। आप अगर कोई भी तरह की रिपोर्टिंग चाहते हैं तो आपको रिपोर्टिंग खुद से अरेंज करनी पड़ेगी, हालांकि आजकल फिनटेक कंपनीज हैं वो रिपोर्ट जनरेशन हो जाती है। बट सबसे बड़ा जो फायदा है रेगुलर स्कीम में जाने का वो एक सेकंड ओपिनियन या सेकंड व्यू है। मान लीजिए किसी एक निवेशक को लगता है कि उसको बहुत अच्छी नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स में, वो हर तरीके से खुद से मैनेज कर सकता है, और मार्केट इतनी डायनामिक होती है, हर 5-6 महीने में मार्केट सिनेरियो चेंज होता है, क्या उस समय आप अपने आप को अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड माइंड के साथ मैनेज कर सकते हैं? तो जरूर डायरेक्ट में करिए। और यदि आपको लगता है कि एक सेकंड ओपिनियन हमेशा लेना चाहिए, और स्पेशली वो एडवाइजर्स जो इस बिजनेस में सालों से हैं तो उनसे ओपिनियन लेने के लिए आप पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो आपका अगर अल्फा जनरेट हो गया, विच मींस कि अगर चढ़ते बाजार में आपको 2-3% एक्स्ट्रा मिल गया, या गिरते हुए बाजार में बिकॉज ऑफ एडवाइजर अगर आपका 2-3% कम गिरा बाजार में, तो उसको हम अल्फा बोलते हैं। तो अगर वो फायदा एडवाइजर आपका करवा रहा है तो एक छोटी कॉस्ट कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही ऑप्शंस की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हुए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। मदन लाल अंबाला से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मदन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल बताइए क्या क्वेश्चन हुआ है? मेरा सवाल मैंने एक मेल में भेजा हुआ है, अगर आपके पास हो तो, मेरी डॉटर के इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। ओके, तो आपने डिटेल भेजी है, उसके हिसाब से 6,000 की आपकी SIP चल रही है, 4,00,000 आप इकट्ठा कर चुके हैं, PPF में भी 70,000 डाले हुए हैं, और 30,000 की एडिशनल SIP करनी है, वो किन फंड्स में करें ये आप जानना चाहते हैं, प्लस 2,50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट
कहाँ करें, एफडीज में, पीपीएफ में, म्यूचुअल फंड में, करेक्ट? यही सवाल है आपका? हाँ जी, और इसके अलावा ये भी कि जो फंड लिए हुए हैं वो ठीक हैं या नहीं है, और वो रेगुलर और इसका था एक डायरेक्ट का वो अभी आपने बताया है, तो शायद वो ऐसा है, हमने तो उनसे इतना, उन्होंने हमको कोई सुजेस्ट तो किया नहीं, उन्होंने अपने आप एक रेगुलर की, एक ने रेगुलर में डाल दिया और एक ने उसको डायरेक्ट में डाल दिया, बस चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं उसका कुछ करना पड़े। ठीक है, चलिए, तो आपने सुना इनका सवाल, और जैसे इन्होंने मेंशन किया HDFC टॉप 100, HDFC फोकस 30, HDFC स्मॉल कैप, SBI लग्जरी कैप, SBI फोकस इक्विटी, SBI ब्लू चिप, सही में 1000 डाल रहे हैं, जैसे इनको सजेस्ट किया गया एजेंट द्वारा वैसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं। अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स प्लस जो ये करना चाहते हैं, सब पर क्या राय है आपकी? मदन जी, जो आपके अभी एग्जिस्टिंग फंड है, आपने जैसे वो तीन तीन फंड लिए हैं दो ही फंड हाउसेस से, तो मैं उसमें रिकमेंड करूंगा कि आप HDFC टॉप 100 को रखें और HDFC फोकस को उसके साथ मर्ज कर दीजिए, HDFC स्मॉल कैप का आप SIP कंटिन्यू रखिए, उसी तरीके से जो SBI आपने फ्लेक्सी कैप है, SBI फोकस्ड है और SBI ब्लू चिप है, तो ब्लू चिप को आप SBI फ्लेक्सी कैप के साथ मर्ज करिए और SBI फोकस्ड कर दीजिए। ये दो और दो चार फंड आपके, आप इसमें बने रहिए। उसके अलावा एक फंड है जो ICICI अप्रूव मल्टी कैप फंड, वो आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा भी मैं तीन चार फंड, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि SBI कॉन्ट्रा है, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड है, मेरे एसेट मल्टी कैप फंड है, ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये 6-7 अच्छे फंड है। आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए, और आपने जो चीज़ बोली कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो अगर कोई आपको अच्छे एडवाइजर मिलते हैं तो आपको थोड़ी सी सहूलियत रहेगी कि आप जाके उनसे ये मल्टीपल स्कीम्स ले सकते हैं, और यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो कुछ फिनटेक कंपनीज जो SEBI अप्रूव्ड हो, आप किसी भी एक ऐप को लेके निवेश मत करिए जो जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, तो SEBI अप्रूव्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं या मोबाइल ऐप्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, या फिर किसी रजिस्टर्ड एडवाइजर के पास जाइए, उनसे आप मल्टीपल स्कीम्स का एक पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं और उसको रेगुलरली रिव्यू कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको दी गई है मदन लाल जी, लेकिन एक चीज और, जैसे इन्होंने मेंशन किया कि जो इन्होंने अलग अलग फंड्स को लेकर जो सवाल पूछा है उस पर राय क्या रहेगी, क्योंकि एडिशनल SIP जो करनी है वो इन्हीं फंड्स में करें, नए करें, और जैसे इन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने एक ही फंड हाउस के दो दो ऑप्शंस लिए हुए हैं, ज़्यादा इनको जानकारी नहीं थी, तो अब फंड हाउसेज में भी डाइवर्सिफिकेशन करें क्या? जी, तो फंड हाउस इनको न्यू इंट्रोड्यूस करना चाहिए दीपाली। इन्होंने ये भी पूछा था कि PPF, तो PPF में आप कंटिन्यू रखिए जो आपका निवेश जा रहा है, और लास्ट आपने पूछा था कि कुछ और एडवाइस इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या मतलब इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप अपने डॉटर को सजेस्ट करिए कि एक टर्म प्लान जरूर ले लें और एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, बिकॉज अगर कंपनी में जॉब करते हो उनको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मिला हुआ है तो भी आपको एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, बिकॉज जब कोई भी व्यक्ति जॉब छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है तो उस समय जो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है वही काम आएगा, और यदि ये सोच के कि जब रिटायर होंगे तब ले लेंगे तो उसके प्रीमियम इतने हाई होंगे कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू रखिए, दो तीन फंड्स को ऐड करिए, उसके अलावा आप PPF कंटिन्यू रखिए, एक टर्म प्लान लीजिए और हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका पूरा एक यूनिवर्स कैप्चर हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं अरुण कुमार से, झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। अरुण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते, पूछिए सवाल। मैम, मेरी लगभग 3 महीने से 48,000 की SIP चल रही है 12 फंड्स में, फंड्स के नाम मैंने जो है भेजे हुए हैं ऑलरेडी शो में, और मेरा नजरिया 14 से 15 साल का है, तो मैं इस पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कराना चाह रहा था कि फंड ज्यादा है, मुझे भी लग रहे हैं कि ये ज्यादा है फंड। ओके, तो 48,000 की SIP है, 14 से 15 साल में कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे ये जानना चाहते हैं, सालाना 20% स्टेप अप का भी टारगेट है। मैं आपके फंड्स बताऊं, उससे पहले एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये 48,000 की SIP, वो कितना समय हो चुका है ऑलरेडी? लगभग मैम अभी 3 महीने हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी मैंने SIP की थी, लेकिन कुछ जरूरत आ गई थी तो वो मैंने रिडीम कर ली थी, दोबारा स्टार्ट की है मैंने। ओके, तो अभी आपकी कोई पोर्टफोलियो की वैल्यू है, अभी कुछ इकट्ठा हुआ है रकम या फिर नहीं? हो गया है, 1.5 लाख से ऊपर हो गया थोड़ा। ओके, तो इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रो लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, साथ ही इनके पास है
फ्लेक्सी कैप के अलावा मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, एसबीआई लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, काफी सारे फंड्स हैं इनफैक्ट जहां पर 4000 ईच ही डाल रहे हैं। अब बताइए क्या सजेशन इनके लिए? So, अरुण जी आपने खुद ही बोल दिया कि मेरे पास फंड बहुत सारे हैं और मैं कंसोलिडेट करना चाहता हूं, और आपकी दूसरी सबसे बड़ी दुविधा ये होगी कि पिछले 1.5-2 साल से मार्केट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो लगभग सभी फंड्स ने अच्छा किया होगा, तो ये किसको छोड़े और किसको लेने वाली सिचुएशन हो जाएगी। बट हाँ, मैं आपको ये बोलूंगा आप ही के यूनिवर्स में 7 फंड में आपको जो रीड आउट करूंगा, आप वो फंड्स को कंटिन्यू करिए। जो आपने कर दिया है इन्वेस्टमेंट उसको विड्रॉ मत करिए, आपका जब 1 ईयर हो जाए आपके जो कैपिटल गेन टैक्सेस हैं उसके हिसाब से देख के आप उसको बाद में जो मैं 7 फंड बोलूंगा उसमें आप मर्ज कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं निपॉन मल्टी कैप आप कंटिन्यू करिए, फ्रेंकली इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड आप कंटिन्यू करिए, पराग पारे फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करिए, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करिए, आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है वो कंटिन्यू करिए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है वो आप कंटिन्यू करिए। तो ये 7 फंड जो मैंने बोला ये आप कंटिन्यू करिए, दूसरे फंड्स को आप नया निवेश ना करके इन्हीं फंड्स में आप अपना SIP बढ़ा दीजिए। और आपने ये बोला था कि मैं 20% स्टेप अप कर सकता हूँ हर साल दर साल, तो यदि आप उसको 20% स्टेप अप करेंगे, विच मीन्स जैसे अगर आपका 50,000 होता तो अगले साल आप 50,000 के ऊपर 20%, फिर जो दूसरे साल जो क्यूमुलेटेड अमाउंट है उसके ऊपर, तो इस तरीके से करते करते आपका जो SIP अमाउंट काफी बढ़ जाएगा। और 15 साल तक अगर आप ये करते रहे और मैं 12% की अगर अज्यूम करूँ कि रिटर्न आएगी, तो 7.75 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा। और यदि मतलब ये जो सारी स्कीम्स हैं इनका रिटर्न अगर आप हिस्टोरिक देखेंगे 14-15% का या 16-17% का मेंटेन कर रही हैं, तो पोर्टफोलियो तो आप 9-10 करोड़ की भी उम्मीद कर सकते हैं। बट बहुत बहुत कंजर्वेटिव होके भी चलेंगे तो 7-7.5 करोड़ का पोर्टफोलियो तो आपका हो ही जाएगा। ओके, बात करते हैं अब राजू सिंह की, जिन्होंने बिहार से ईमेल के थ्रू एक सवाल भेजा है। सवाल है इनका एक मुश्त इन्वेस्टमेंट को लेकर, 5 साल के होराइजन के लिए 10 लाख रुपए लमसम डालना चाहते हैं। इनका सवाल वही है कि किन किन फंड्स में ये डाल सकते हैं इस लमसम अमाउंट को, तो बताइए 10 लाख का लमसम अमाउंट फॉर 5 ईयर्स। तो दीपाली क्योंकि 10 साल का होराइजन है तो बहुत ज्यादा टाइमिंग में इनको सजेस्ट नहीं करूंगा, अपने 10 लाख को 4 फंड में डिवाइड करिए 2.5-2.5 लाख के, और उसमें SBI कॉन्ट्रा एक फंड ले लें, ये ICICI का लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो ले लें, बजाज फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, और मेरे एसेट मल्टी कैप फंड ले लें। सो हमारा आइडिया ये है कि इस समय हम उनको बहुत ज्यादा मिड और स्मॉल कैप में है, बहुत हाई एक्सपोजर सजेस्ट नहीं करेंगे गोइंग बाय द मार्केट सिनेरियो। बट हम ये भी नहीं चाहते कि यदि आने वाले 2-3 साल के बाद वापस एक मिड कैप और स्मॉल कैप रैली बहुत अच्छी चलती है तो ये मिस ना करें, तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी इनको दे रहे हैं, उससे उनको एक्सपोजर बना रहेगा। तो लगभग हर एक तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन इनको एक्सपोजर बना रहेगा, तो ये ऐसा नहीं होगा कि किसी एक मार्केट कैप से अछूते रहेंगे। तो ये 4 फंड में ये अपना 2.5-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 10 साल में एक अच्छे फंड की उम्मीद की जा सकती है इनको, मतलब 40-45 लाख के ऊपर का पोर्टफोलियो इनका बन सकता है इसमें। ओके, चलिए, तो ये राय दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर और अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। ये सलाह है आपके पोर्टफोलियो को लेकर जहां पर SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रो लार्ज एंड मिड कैप, साथ ही बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप और मेरे एसेट का मल्टी कैप, 4 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, इसके हिसाब से आप बनाइए रणनीति। क्रिप्टोकरेंसी के साथ एक ब्रेक के लिए विकासपुरी हमारे साथ बने हुए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी, और हमारे साथ विकासपुरी मौजूद है, अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और कॉलर से। MK पटेल हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से। पटेल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए सवाल। मैम मैं 15 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे 5 फंड है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, SBI मिड कैप, कैनरा स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। इन सभी फंड में ना 2-2 हजार लमसम करता हूँ मैं हर मंथ। और कितना समय का आप टाइम लेके चल रहे हैं इस पोर्टफोलियो को लेकर? 15-17 साल। ओके, 15-17 ईयर्स का होराइजन, 10,000 per month के SIP, 1.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 2-2 हजार डाल रहे हैं 5 फंड्स में। फंड्स के नाम इन्होंने अभी मेंशन की, जिस पर फ्लेक्सी कैप की 3 कैटेगरीज हैं, स्मॉल कैप की 2 कैटेगरीज हैं, फंड हाउसेस भी दो तीन ऑप्ट किए इन्होंने, क्वांट, पराग और कैनरा। बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर? पटेल जी आप एक तो थोड़ा सा अभी स्मॉल कैप वाला जो एक्सपोजर है उसको कम करिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो क्वांट स्मॉल कैप है उसको उसके बदले आप क्वांट एक्टिव फंड है उसमें आप शिफ्ट कर दीजिए, वहां पे भी आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलेगा। बट जिस तरीके से अभी मार्केट बिहेव कर रही है तो थोड़ा आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन आपका स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा है,
उसी तरीके से कैनरा बैंको का जो स्मॉल कैप है, अगेन उसमें मैं सजेस्ट करूँगा, कैनरा बैंको का इमर्जिंग इक्विटी फंड है उस पर आप शिफ्ट कर दीजिए, वो भी एग्रेसिव है लेकिन एटलीस्ट स्मॉल कैप से थोड़ा कम एग्रेसिव है। और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक क्वांट फ्लेक्सी कैप यहाँ पे लिखा है बट आपने बोला एसबीआई फ्लेक्सी कैप, यदि एसबीआई फ्लेक्सी कैप है तो कंटिन्यू करिए, और यदि वो क्वांट फ्लेक्सी कैप है तो उसकी जगह फिर एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चार फंड्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और एक जस्ट फॉर योर कैलकुलेशन पर्पज, यदि आप 15,000 रुपये की एसआईपी करते हैं 15 साल के लिए और अगर 15% का रिटर्न जनरेट होता तो 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बनता है, और अगर आप 10,000 कर रहे हैं और इस तरीके से अगर आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और 1.5 लाख के आसपास आपका कॉर्पस हो गया है तो 70-80 लाख का पोर्टफोलियो तो आपका इसमें भी बन जाएगा। ओके चलिए, तो सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर थोड़े से चेंजेस बताए गए हैं। क्वांट स्मॉल कैप से क्वांट एक्टिव में स्विच करें, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप से कैनरा रोबो को इमर्जिंग में स्विच कर सकते हैं, आईसीसी प्रो लार्ज मल्टी कैप कैटेगरी शामिल कीजिए थोड़े से डाइवर्सिफिकेशन के लिए। बात करते हैं अब हरभजन पाल की, दिल्ली से इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 35 साल इनकी उम्र है प्लस इनकी 21,000 की ऑलरेडी एसआईपी है जो ये स्टार्ट, इनफैक्ट इन्होंने स्टार्ट की हुई है। 21,000 की एसआईपी किस फंड में करें ये जानना चाहते हैं। 20 साल में 4-5 करोड़ का टारगेट है, सालाना 10-15% स्टेपअप का भी टारगेट है। पुराने फंड्स में इन्होंने जो एसआईपी की थी वो इन्होंने रोक दी है फिलहाल, अभी वहाँ पर उन एसआईपीज का क्या करें, रिइंस्टेट करें या उस पैसे को निकाल लें। 11.5 लाख इकट्ठा किए हैं इन्होंने, जहाँ रोकी है इन्होंने एसआईपी उसमें एक्सेस ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी मोतेलो सोल फ्लेक्सी कैप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप यूटीए फ्लेक्सी कैप एक्सेस ईएलएस टैक्स सेवर है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। जो फंड्स ये खरीदने की सोच रहे हैं अब हर महीने उसमें क्वांट स्मॉल कैप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप मोतेलो सोल मिड कैप कोटक इमर्जिंग इक्विटी महिंद्रा मनु लाइफ मल्टी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। बताइए क्या सजेशन इनके लिए। सौरभजन जी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपने नए वाले में भी लिया तो उसको आप कंटिन्यू करिए। जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है बट एसआईपी रोक दिया है उसको आप धीरे धीरे देखिए। आपका जैसे ईएलएसएस फंड है वो 3 साल कंप्लीट होंगे तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे, और जो फंड्स 1 साल के ऊपर हो जाए आपका एग्जिट लोन ना हो और 1 लाख तक का कैपिटल गेन में टैक्स नहीं लगता तो आप उतना गेन के हिसाब से आप विड्रॉ करके, जो नया पोर्टफोलियो मुझे अच्छा लगा आपका बट उसमें माइनर 2 चेंजेस बताऊंगा। अगेन मैं जैसे सभी दर्शकों को ये बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ से लेकर अगले 1-2 साल तक आप थोड़ा सा मल्टी कैप अप्रोच लीजिए रादर देन प्योर प्योर स्मॉल कैप। तो उसी तरीके से अगर निपॉन स्मॉल कैप है तो उसकी उसके बदले मैं सजेस्ट करूंगा निपॉन मल्टी कैप में आप शिफ्ट करिए, और जो मोतीलाल ओसवाल का प्योर मिड कैप फंड है उसकी जगह मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए। बाकी आपके जो ऊपर नए वाले पोर्टफोलियो बाकी वाले फंड्स को आप कंटिन्यू कर दीजिए, और जो पुराना पोर्टफोलियो है उसमें से आप जैसे एक्सिस का आपने टैक्स सेविंग फंड लिया हुआ है या दूसरे ईएसजी फंड लिए हैं वो अगले 1-2 साल में परफॉर्मेंस देखिए उसके हिसाब से जैसे जैसे आपको एग्जिट ऑप्शन मिलता है वो निकल के जो नए फंड्स हमने आपको बताए 2 और या आपने जो दूसरे लिए थी इनका 5-6 फंड को आप जो है उसमें मर्ज कर दीजिए। इस स्ट्रैटेजी के साथ चलते रहेंगे तो आपका रफली 4.5-5 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो जो है वो बन जाएगा अगले 20 साल में। चलिए तो ये रणनीति रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर, फटाफट से पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए विकास जी कौन से फंड्स पिक किए हैं। तो दीपाली जी जैसा हम सभी दर्शकों को यही बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो ना बनाइए तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप अप्रोच लगाइए। सो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड हो गया, मेरे एसेट मल्टी कैप फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड, ये 4 फंड के साथ कोई भी अपना पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकता है, या जिनके पास स्मॉल कैप में बहुत हाई एक्सपोजर है वो इन फंड में धीरे से मर्ज कर सकते हैं। और मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप अप्रोच के साथ चलेंगे तो पोर्टफोलियो थोड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे, यदि कोई करेक्शन आती है मिड और स्मॉल कैप साइड पे तो पोर्टफोलियो बहुत अग्रेसिव होगा तो उसमें फिर रिटर्न या नेगेटिव साइड भी उतनी अधिक होगी, तो इसलिए इस तरीके से अप्रोच रखेंगे तो पोर्टफोलियो जो है थोड़ा इंटैक्ट रहेगा। ओके चलिए तो ये रहे टॉप 4 फंड्स विकास जी के, शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे जरूरी है फाइनेंशियल सेफ्टी और निवेश को लेकर जागरूकता। तो निवेश की किस स्ट्रैटेजी से होगा महिलाओं का फ्यूचर ब्राइट, इसी को लेकर कल देखिए हमारा खास शो मनी पार शाम 6:27 पर।